हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन इज डूइंग वेल एट देयर होम। सो आज हम बच्चों की स्पेशल डिमांड पे बनाएंगे पास्ता इन अरेबिटा सॉस। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी बॉईल कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और अब इसमें मैं एक पूरा पैकेट पैने पास्ता का बॉईल करने के लिए रख दूंगी और साथ ही पास्ता में मैं दो बड़े बड़े टमाटर ले रही हूँ जिनको मैंने ऐसे थोड़ा सा कट लगा दिया है दोनों साइड से और इसमें बॉईल करने रख दूंगी। पास्ता को हम 9 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और टमाटर को हम 1 या 2 मिनट के बाद बाहर निकाल लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, कटा हुआ लहसुन, नमक, काली मिर्च, बटर, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, ऑरिगेनो, गार्लिक हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और टमेटो पेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर की स्किन ऐसे निकलनी शुरू हो गई है। इसी टाइम पे हम टमाटर को बाहर निकाल लेंगे। इसको मैक्सिमम 1 मिनट लगता है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हम टमाटर को यहाँ पे सारा पील कर लेंगे, टमाटर का सारा छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो टमाटर मैंने पील किए थे उनको मैं मिक्सर में डाल के अच्छे से बीट कर लूंगी। ध्यान रखना टमाटर ठंडे होने के बाद ही हमें बीट करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है इसमें से मैं थोड़ा सा पानी निकाल लूंगी पास्ते का। ये हमें सॉस को थिक करने में हेल्प करेगा। एक और बर्तन में मैं थोड़ा सा बटर ले लूंगी और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे ताकि बटर बर्न ना हो जाए और ऑलिव ऑयल से इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा पका लेंगे। यहाँ पे अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारी सॉस पक रही है मैं एक और पैन में थोड़ा सा बटर और ऑलिव ऑयल लेके उसमें प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से सौते कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे सॉस में नमक, काली मिर्च, 1 चम्मच के करीब ऑरेगानो और जो हमने बाजार से लाया हुआ टोमेटो पेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे। टोमेटो पेस्ट को अच्छे से पकाने के बाद मैं यहाँ पे इसमें बॉयल्ड पास्ता वाला पानी ऐड कर दूंगी और इसे एक बॉयल तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सॉस पक के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें सॉटेड वेजिटेबल्स ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हम ताकि सारा सॉस पास्ते के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच के करीब गार्लिक हर्ब्स भी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसमें अभी इसी टाइम पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये पास्ता बच्चे खाएंगे। हम चिली फ्लेक्स ऊपर से खाते टाइम ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसमें आप चाहें तो इस टाइम पे चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमें ऐसे ही टैंगी पास्ता थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो पास्ता भी रेडी है, फोक भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। लेट्स टेस्ट द पास्ता। रियली इट इज वेरी यम। डू ट्राई इट। इफ यू लाइक माई रेसिपीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।